उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील धार्मिक स्थलों में से एक मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहता है। यहाँ पर न सिर्फ नागरिक पुलिस बल्कि पीएसी की कई बटालियन भी यहाँ तैनात रहती हैं। इन्हीं में से एक था पीएसी 8 बटालियन बरेली का हेड कांस्टेबल सत्यनारायण उपाध्याय, जो गुरुवार की शाम 6 बजे अपनी ड्यूटी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर करने आया था। उनकी ड्यूटी जन्म स्थान के मुख्य द्वार पर थी। मूल रूप से सत्यनारायण गांव गंगाधर थाना सोरो कासगंज निवासी हैं। गुरुवार की शाम लगभग 8:52 पर उस समय हड़कंप मच गया जब हेड कांस्टेबल सत्यनारायण की AK-47 से चली गोली उनके सीने को पार करती हुई दीवार से जा लगी। अगले पल खून से लथपथ जवान वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर वहां आसपास तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और तत्काल घायल को नैती अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना की खबर पाने स्वयं कर एसपी सुरक्षा सिद्धार्थ वर्मा, जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी समेत अन्य अधीनस्थ मौके पर पहुंच गए और घटना के बारे में जानकारी ली। इस मामले में एसएसपी व डीएम ने घटना की बारीकी से जांच के आदेश दिए हैं। गोली जवान ने स्वयं मारी या चल गई, ये अभी राज ही है, लेकिन आला अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि AK-47 में डबल लॉक होता है, वो अपने आप नहीं चल सकती और जिस एंगल से गोली जवान के सीने में लगी है उससे प्रतीत होता है कि जवान ने स्वयं को आत्महत्या के उद्देश्य से गोली मारी है। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि जवान की गोली लगने से स्थिति गंभीर है, ऑपरेशन करा दिया गया है, उसके परिजन भी मथुरा पहुँच चुके हैं। परिजन जैसी भी तहरीर देंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है जो कि 8वीं बटालियन बरेली के हैं, उनकी ड्यूटी थी अंदर गेट नंबर 1 के पास और मोर्चे के अंदर। वहाँ पे गोली की आवाज़ आई, लोगों ने देखा तो ये घायल पड़े हुए थे, पास में उनका वेतन भी था, हुआ था। उनको तत्काल यहाँ पर ले आया गया है और उनका इलाज चल रहा है, स्थिति थोड़ा गंभीर है, अभी इलाजरत है और इसमें जाँच आगे की जा रही है। सभी जो पुलिस के एक्सपर्ट थे वो बुलेट किस वेपन से अभी ये देख वहाँ पे AK-47 वेपन था। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि स्वयं से गोली चली है क्योंकि ब्लैकनिंग टैटिंग भी है, बट इसकी विस्तृत जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि कैसे चला, क्या कुछ देगा, कोई टेंशन है अभी? देखिए जांच इलाज चल रहा है, अभी कोई जांच नहीं हो पाई है, जाँच होगी तो सबको पता चलेगा। थैंक यू।